टूर्नामेंट के स्टार्टिंग होते हैं, हमारा जो आई8 का वो है वो हमेशा से ये रह चुका है कि हम हमारा टूर्नामेंट का स्टार्ट काफ़ी बुरा रहता है। हम day 1 #10 #12 यहाँ पे बैठे होते हैं, तो वो जो पहले दिन के बाद आ जाते हैं सब लोग और कहते हैं कि मतलब आई8 ख़त्म है, आई8 नहीं खेल पाएगी टूर्नामेंट, ये वो, मतलब यही एक चीज़ है जो थोड़ी सी अजीब लगती है यार। मतलब सिर्फ day 1 हुआ है उसमें हमने बैड परफॉर्म किया और सब आ जाते हैं, लेकिन फिर वही हम कम बैक कर लेते हैं। आई वुड लाइक टू टेल पीपल के कम बैक हमेशा होता रहेगा, तो कुछ बोले मत day 1 पे। जब हम पाकिस्तान की बेस्ट टीम के बारे में बात करते हैं तो सॉल्ट एक्स आई ठीक वही टीम नजर आती है जो कि इस सूरत हाल को बखूबी अंजाम दे रही हो। इस टीम ने यह वाजिया किया है कि किस तरह से इस कौम की बेहतरीन टीम हर गुजरते हुए सीजन के साथ नई बुलंदियों को छूती हुई नजर आती है। When I came to I8, I8 was already the best team of Pakistan. वो already national और international lobbies दोनों dominate कर चुकी थी। इस बात में कोई मामला नहीं है कि टीम आई स्पोर्ट्स पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स सीन में एक निडर दावेदार रहा है। जब किसी कौम के पास बेहतरीन दिमाग और बहादुर खिलाड़ी दोनों ही मौजूद हों तो बैनुल अक्वामी कारनामे लाना एक फितरी मुतालबा बन जाता है। एक तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट द अदर टीम्स एज वेल, लाइक वो ऑलरेडी रीड करके आ चुका होता है टीम्स को, और दूसरी बात उसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है अपनी टीम के पोटेंशियल का, तो वो अपनी टीम को उस हिसाब से खिलाता है क्योंकि उसके टीम को उसके वो पता है उसके टीम में बेस्ट प्लेयर्स बैठे हैं पाकिस्तान के, तो वो उस हिसाब से फाइट्स दिलाता है, उसको पता है कौन से मैच में जोन के साथ खेलना है, कौन से मैच में मारना है, तो दैट्स व्हाई ही इज़ द बेस्ट आईजीएल इन पाकिस्तान। जहां तक क्रिप्टो की बात है, इस शख्स ने कई सालों में बहादुरी के कारनामे ऐसे दिखाए हैं कि अब इसको तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने ही तौर पर एक ऐसी टीम है जिसमें वो अपनी पसंद के मुताबिक लड़ाइयों को चुनने का फ्री हैंड रखता है। क्रिप्टो का तो नेशनल इंटरनेशनल हर जगह हर हर बंदे को उसका पता है। उसका रोल फ्रीमैन है और वो टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, मतलब वो हर चीज़ में क्लोज लॉन्ग हर चीज़ में, और वो बेस्ट प्लेयर है। क्रिप्टो के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसने खुद को इतनी बार प्रूव किया है। अगरचा क्रिप्टो वो पावर हाउस है जिसके ऊपर टीम आई8 को चलाया जाता है, लेकिन किसी भी टीम की जारहत की क्यादत एक एंट्री फ्रैगर करता है। ब्लेड दर हकीकत दुश्मन के मजबूत तरीन दिफाही निजामों को तोड़ने का एक बेहतरीन जरिया टीम आई8 के लिए हमेशा साबित होते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन साउथ एशिया है। उसके थोड़े पिंग इश्यूज होते हैं बट ही स्टिल मैनेजेस टू डोमिनेट एवरी लॉबी प्लेस। लाइक ब्लेड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, और उसके एंट्री फ्रैगिंग स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस इन गेम, उसका घुस के मारना, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। ताहम टीम के कुछ यकसां तौर पर अहम अज्जा रेडार के नीचे भी रह जाते हैं, और ये आजिज मिजाज टीम का पांचवा खिलाड़ी टीम में अपनी शराकत का सहरा लेने में थोड़ा बहुत शर्मीला है। वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, लोग उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन उसका रोल भी बहुत बड़ा है टीम में। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। काफ़ी टाइम आईजीएल की जगह वो भी स्काउट कर लेता है और ये सब, तो वो काफ़ी अंडररेटेड है और वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। पिछले कुछ सालों में हमने इंतहाई बावकार बैनर्स के नीचे सितारों से जुड़े रोस्टर के साथ कुछ ख्वाबीदा लाइनअप्स की तश्कील देखी। अपनी बेहिसी को मजरूह करते हुए हर खिलाड़ी एक दूसरे पर प्यार की बारिश करने के सिवा कुछ नहीं जानता। आई फील लाइक हमारे टीम में जो सबसे कम पैनिक और जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो गेम में, वो क्रिप्टो मुझे लगता है। चाहे हमारे टीम के तीन बंदे नौ को, क्रिप्टो विल क्लच इट आउट। टीम के प्ले स्टाइल और हालिया परफॉर्मेंस की तरफ आते हुए टीम ने अपनी कैलकुलेटेड जारहत को अलग अलग अंदाज के साथ जारी रखा है। फ्लैंक्स और एम्बुशेस समेत काफी हद तक खतरात के साथ आई8 बाकियों के मुकाबले में आला गेम सेंस के साथ टेबल्स पर हावी रहती है। ब्लाइंड एग्रेसिव नहीं, ऐसे एग्रेसिव। अब हमें जोन में अगर जगह चाहिए, हम टू बी ऑनेस्ट जो हमारा आईजीएल है उसको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ का, तो वो हमें कॉल्स देता है कि इस वक्त यहाँ पे पुश करना है, और बाकी हमारी टीम इतना गन पावर है कि हम कहीं भी पुश करें किसी को भी मार सकते हैं, तो ये सीन है। आई वुड लाइक टू से लाइक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आर आईजीएल फॉर दिस, जिसको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा है कब कहाँ कितना एग्रेसिव होना है, वो हमें कॉल देता है और हम उस हिसाब से खेलते हैं, इसलिए हम मतलब इतना आगे आ चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आई8 की पूरी तश्कील क्रिप्टो की ताकत पर मबनी है और हम इसके लिए उन पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते, आखिरकार ये क्रिप्टो ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हमारा क्रिप्टो है वो हमेशा फाइट में वो क्लोज में नहीं हो तो वो एंगल बना रहा होता है अपना,
जो कि हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं, जो क्रिप्टो में हमेशा ओपनिंग निकाल के दे देते हैं, वो जाके एंगल बना लेते हैं और अगली टीम पे नॉक निकाल लेते हैं, फिर वहीं पे अगली टीम डिसएडवांटेज में आ जाती है, फिर हम अपना काम कर लेते हैं, मारते हैं घुस के। लेकिन इन सबको इस्तेमाल में लाने के बाद भी आईएट का आगाज काफी पस्त रहा। पहले हफ्ते के सुपर वीकेंड में सातवें पायदान पर क्वालिफाई करने के बाद आधा सुपर वीकेंड गुजर जाने के बावजूद इस टीम को एक भी अच्छा मैच नसीब नहीं हुआ था। लीग स्टार्ट हुआ, हमने पहले सुपर वीकेंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन हमारा पहला सुपर वीकेंड का पहला दिन बहुत बुरा गया। हम टॉप 10 यही #10 पे बैठे हुए थे और फैंस वगैरह भी क्वेश्चन करने लग गए कि कहाँ गई आईएट की परफॉर्मेंस, क्या कर रही है आईएट। लेकिन दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के करीब करीब इस टीम ने वापस से कंपटीशन में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। उसके बाद क्या होना था, Nezdaku is able to pull off the impossible, pull off the 1v2 right now. It doesn't seem likely at all. They're pushing him from multiple fronts and Salt I8 will find the winner win a chicken dinner. और तीसरे दिन की शानदार मुस्तकिल मिजाजी के बाद इन्होंने टेबल पर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली और इसके बाद से उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। चैंपियंस के जज्बे के साथ फाइनल्स में दाखिल होना हमें आईएट से कुछ कम की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। सुपर वीकेंड 2 में कोई गलतियां नहीं, हम सीख चुके थे। सुपर वीकेंड में जो गलतियां थी वो इम्प्रूव कर ली थी और सुपर वीकेंड 2 में कोई गलती नहीं की और टॉप स्पॉट ही रखा अपना, बस लीड बढ़ाते गए। हमारे पास अच्छी खासी लीड हो गई सुपर वीकेंड 2 में और फिर लीग थर्ड वीक लीग में भी हमने फिर से क्वालिफाई कर और फिर सुपर वीकेंड 3 में आए। उस वक्त तो हमें जैसे ऑलरेडी पता था हम ये लीग जीत चुके हैं PMPL का, तो हमने बहुत खुल के खेला और सिर्फ लीड बढ़ाने की कोशिश की और जब सुपर वीकेंड 3 खत्म हुआ तो हम 150 प्लस पॉइंट से PMPL लीग जीत चुके थे। हमें आईएट से कुछ कम की तवक्को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन टीम एक मामूली कारकर्दगी के बाद अपना निशान खो बैठी जो थोड़ी देर तक जारी रहा। हमने फाइनल्स का स्टार्ट थोड़ा सा बुरा लिया, अपनी छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से। हम ये हुआ कि हम काफ़ी मतलब हमारे मैचेस बुरे गए अपने मिस्टेक्स की वजह से, मतलब अपने हमने जो मिस्टेक्स किए छोटे मोटे इंडिविजुअल मिस्टेक्स है जो भी। दूसरी तरफ टीम 52X रेज और टीम टफ जैसी टीमें टीम आईएट से बेहतर फाइनल्स में पहली और दूसरी पोजीशन पर टेबल पर सर फहरिस्त रहे। सर्वाइविंग स्किल्स और वो सब थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब 52 रेज मैं फाइनल्स देख रहा था, फाइनल्स में ऐसा कोई मैच नहीं था जो 52 रेज एंड जोन में नहीं आई हो, तो 52 रेज के जो सर्वाइविंग स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे फाइनल्स में, बहुत ज्यादा। डोमेस्टिक लीग्स को पीछे छोड़ते हुए मुकाबला अब मजीद बुलंदियों तक जा रहा है क्योंकि हम PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप 2022 के करीब पहुंच रहे हैं। टीम आईएट ऑलरेडी PMPL साउथ एशिया खेल चुकी है और ऑलरेडी काफी डोमिनेट कर चुकी है वहाँ पे गन पावर वाइज, तो थोड़े जो छोटे मोटे हमारी गलतियां हम उनको इम्प्रूव करें जो इस बार हमसे PMPL पाकिस्तान फाइनल्स में हुई जिसकी वजह से हम #1 नहीं ले पाए, छोटे मोटे मिस्टेक्स जो हमें खुद इम्प्रूव करने, तो वही सिर्फ हम इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह साउथ एशिया डोमिनेट करेंगे। आईएट पाकिस्तान की वो वाही टीम है जो इससे कबल इन हैवी वेट टीम्स के अगेंस्ट खेल चुकी है और इनका तजुर्बा इन्हें खबरदार करता है कि किस पर निगाह रखी जाए। स्टेलोरिटी स्पोर्ट्स फ्रॉम मंगोलिया पिछले PMPL में भी हमारे कॉम्पिटिशन रह चुके हैं और PMGC जा चुके, PMGC एक्सपीरियंस टीम, और अभी भी इस वक्त भी PMPL साउथ एशिया में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था और वही एक टीम आएगा जो हमें गन पावर वगैरह में भी कंपटीशन देगी। इनकी शानदार दौड़ के बाद भी हम और पूरे पाकिस्तानी सामईन जानते हैं कि आईएट के पास मुल्क को पेश करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। क्या ये वो मौसम है जहां वो आखिरकार एक हकीकी आलमी चैंपियन के तौर पर अपनी शनाख्त बना रहे हैं? हम इन्हें मजीद अजमत की तरफ बढ़ते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकते।